असलम वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आई एम रब अहमद एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू वीडियो अबाउट दुबट्टा डिज़ाइन फ्रेंड्स बहुत दिनों से हमने वीडियो नहीं बनाई आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दुबट्टा लेकर आऊँगी ये मेरे पास टिश्यू का स्किन कलर का दुबट्टा पड़ा हुआ है तरीबन टू पॉइंट फाइव साथ में मैंने फ़ोर साइड्स पर लगाने के लिए एट मीटर्स मैंने लेस ले ली है गोटा टाइप ये लेस है ईज़ीली बहुत ही चीप रेट्स में सस्ते दामों आपको मिल जाएगी फिर ये किंगरी टाइप की जो है वो लेस है ये भी आपको मिल जाएगी इसको भी आपने तकरीबन पाँच छ मीटर्स आप ले लें अब फ्रेंड्स अपना काम शुरू करते हैं दुबट्टा टू पॉइंट फाइव मीटर्स का यूज़ कर रही हूँ साथ में दो लेसिस यूज़ कर रही हूँ अब ये देखें कुछ इस तरह के गोटे के फ्लावर्स बने हुए मिलते हैं वो आप ले लें इनमें से कुछ फ्लावर्स मैं डायरेक्ट लगाऊंगी और कुछ फ्लावर्स को मैं छोटा कर दूँगी आपको ये लीव्स भी बने हुए मिलेंगे और फ्लावर्स भी बने हुए मिलेंगे तो मैं इसको डबटे के ऊपर लगाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं गोटा जो है वो बहुत सस्ता आपको मिल जाता है ये देखें कुछ लीव्स हैं और कुछ जो है वो फ्लावर बने हुए हैं तो मैंने बहुत से ख़रीद लिए हैं अब फ्रेंड्स वेलवेट क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सर्दियों में यूज़ होती है और अगर आपके पास कोई बचे कपड़े हैं वेलवेट के तो स्किन कलर के ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगी ये वेलवेट ये वेलवेट के पैचेस मैंने ले लिए हैं एक मैंने लिया है पर्पल कलर और एक मैंने लिया है शॉकिंग पिंक कलर और इनके मैंने इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं स्क्वेयर्स काट लिए हैं एट स्क्वेयर्स जो हैं वो पर्पल हैं और एट स्क्वेयर जो हैं वो शॉकिंग पिंक हैं तकरीबन सिक्सटीन आपको चाहिए होंगे एक दुपट्टे के लिए ये हम बहुत ज़्यादा करीब करीब नहीं लगाएंगे बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं देनी एक फ़ैंसी दुपट्टा बना रही हूँ जो स्क्वायर आपने लेना है वो आपने लेना है तकरीबन टू पॉइंट फाइव इंचज़ यहाँ से भी टू पॉइंट फाइव इंचज़ और यहाँ से भी टू पॉइंट फाइव इंचज़ का आपने स्क्वायर रेडी कर लेना है सारे स्क्वेयर्स की लेंथ और ब्रिथ यही होगी ये हमारे मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं वेलवेट के ही बनाइएगा ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और अपने जो कपड़े हैं उनसे भी कंट्रास्ट कर सकते हैं इवन अगर वेलवेट का सूट है शॉकिंग पिंक तो दो कलर का कंट्रास्ट कर लें शॉकिंग पिंक के साथ अच्छा लगता हो अब हमारे पास जो फ्लावर था गोटे का वो आपने लेना है और बिल्कुल मिड में रखना है ठीक है अब आप ये देखें कि मैं इसको किस तरह से इसके ऊपर लगाऊंगी सुई धागे से धागा मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ येलो कलर का बिल्कुल लाइट सा स्किन येलो कलर होगा इसका अब मैं आपको ये पूरी डिटेल में बताऊँगी कि आपने इस फ्लावर को बनाना कैसे है जो वेलवेट का पैच है इसके बीच में आपने इसको किस तरह से रेडी करना है बहुत ही अच्छे से इसको ओफ, कभी इधर हो जाता है कभी इधर खैर ये देखें ये मैंने फ़्लावर लगा क्या लिया क्या अब जो मैंने छोटे छोटे लीव्स लिए थे स्थ स्थ वो कर लें ले 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 या फ्लावर को छोटा कर लें अब मैं इसकी फोर साइड्स को कवर करूंगी इस फ्लावर को मैं बड़ा करूंगी क्योंकि ये बहुत छोटा फ्लावर है तो मैंने जो छोटे छोटे लीव्स हैं मेरे पास वो मैं इसके चार साइडों पे लगा दूंगी अब मैं आप वीडियो को गौर से देखिएगा कि मैंने ये फ्लावर किस तरह से रेडी किया है मैं आपको एक एक चीज़ इसमें बता रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसका हमने सारे पैचेस पे इसी तरह आपने फ़्लावर लगाना है इसी तरीके से लगाइएगा जिससे मैं लगा रही हूँ सबसे पहले हम उस जगह पे लीव लगा रहे हैं जो जगह खाली नज़र आ रही थी मुझे अब मैं इसको लीव्स को सराउंडिंग इसके जो सराउंडिंग्स हैं उसमें लगा के और मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसको रेडी किस तरह करना है ये एक साइड लग गई अब आपको ये दो तकरीबन लीव लग गए हैं अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड आपने किस तरह से लगाना है बहुत ही एहतियात से लगाइएगा इसलिए मैं ये आपको पूरा दिखाऊंगी वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है ताकि आपको सही से पता चले कि आपने कैसे करना है एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो चीज़ मुश्किल लग रही होती है उसे ज़रूर किया करें क्योंकि वो बहुत आसान हो जाती है जब आपको करनी आ जाती है और जो दुपट्टे हम आपको दिखाते हैं और डिज़ाइंस दिखाते हैं वो आप किसी छोटे मोटे कपड़े पर कर लिया करें जब आपको वहाँ पे सही अच्छे से आ जाए तो फिर अपने दुबट्टे पे करें ये ना हो कि आपका दुबट्टा भी खराब हो जाए और आपका डिजाइन भी खराब हो जाए ये देखिए अब आपने देखा किस तरह फ्लावर की लुक आ रही है बिल्कुल दो लीव्स के दो पत्तों के दरमियान में आपने दूसरा लीव रख के इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है मैं एक आपको फुल दिखा रही हूँ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आपसे फ़्लावर सही ना बना और इसकी शेप ख़राब हो गई तो इसका जो आ, जो सही इसकी लुक है ना दुपट्टे की वो नहीं अच्छी आएगी ये देखिए ऑलमोस्ट रेडी हो गया मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं सही तरीके से वीडियोस बना के आपको दिखाऊं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में हम जिस तरह कैमरा रखते हैं तो क्योंकि उसका फ़ेस दूसरी साइड पे होता है तो हमें पता नहीं चलता कि कैमरे में चीज़ कवर हो रही है कि नहीं हो रही कोशिश तो यही करते हैं कि कवर हो लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें मिस हो जाती हैं क्योंकि अभी हमने सेटअप न्यू किया है होपफुली आपको क्वालिटी आज कैमरे की अच्छी लग रही होगी क्योंकि हमने कैमरा चेंज किया है अपना ताकि आपको अच्छी क्वालिटी की वीडियो दिखाएँ तो अब फ्रेंड्स हम आ जाते हैं अपने दुबटे पे दुबट्टे पे जो मैंने एक बड़ा गोटा लिया था वो मैं फोर साइड्स पे लगा दूंगी ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको एक दुबट्टे के लिए 2.5 मीटर मीटर्स के दुबट्टे के लिए आपको तकरीबन ऐट मीटर्स का लेस uh, चाहिए होती है ठीक है लेस है गोटा है जो भी अगर आप फोर साइड्स पर लगाएंगे तो आपको एट मीटर्स लेनी पड़ेगी अब ये मैं पहले था चारों साइडों पे लगा दूंगी और उसके बाद हम इसका मेन काम करेंगे और ये एक बहुत ही खूबसूरत दुबट्टा बनेगा जो कि एक डिज़ाइनर दुबट्टा है और ऐसा दुबट्टा आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा अगर आप डिज़ाइनर लेती हैं अगर आप जो है वो बाय करती हैं ये इतना इनोवेटिव और क्रिएटिव दुबट्टा है कि ये आपके जो आम सूट होगा ना उसको एक बहुत अच्छी लुक देगा मोस्टली इसको मैं आपको यही बताऊँगी प्रेफ़र आप करें कि आप सिंपल प्लेन वेलवेट के सूट के साथ बनाएं बाजू पे कुछ लगा लें गला लगा लें साथ में ये दुबट्टा यूज़ करें और इसमें जो कलर्स आप वेलवेट के पैचेस के यूज़ करें उसी कलर का अगर वेलवेट का ड्रेस इसके साथ हो तो बहुत खूबसूरत लगेगा और अगर आप वेलवेट का ड्रेस नहीं यूज़ करना चाहते कॉटन या लॉन या कोई भी और आप कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको कलर्स को आपस में कंबाइन करें मतलब मैच करें कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा ये देखें ऑलमोस्ट मैंने लेस जो है वो साइडों पे लगा ली है ये देखिए रेडी हो गया ये देखिए अब हमारे जो पैचेस थे सारे मैंने रेडी कर लिए हैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन काम आपका बेहतरीन होगा अब फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक ज़रूर मिलने चाहिए ठीक है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा ये देखें मैं अब सबसे पहले क्या करूँगी कि ये देखिए जितना ये है इसमें तकरीबन थर्टी थर्टी टू आता है तो थर्टी टू में मैं टेन टेन में डिवाइड कर लेती हूँ टेन डिस्टेंस मैं यहाँ रख दूँगी एक के साथ और टेन डिस्टेंस मैं दूसरे साइड पर रख दूँगी अब इसको लगाने का तरीका हम आपको बताते हैं तेन तेन इसमें तीन इसमें अब आप इस तरह करें कि टेन इंचज़ का हिसाब लगाएँ और टेन से एक नंबर पहले यानी नाइन के ऊपर आपने ये पैच रखना है फिर यहाँ से यहाँ तक आपका दोबारा टेन का डिस्टेंस कर, तेन कर लेते हैं मतलब तो टोटल दुबट्टे की लेंथ करने तो के बाद आप देखें तो ये जितना बनेगा उतना आपने तो इस तरह से आपने सेट कर लेना है फिर इसी तरह टेन का डिस्टेंस नीचे की तरफ रख के मैं नीचे पैच लगाऊंगी यहाँ मैंने दोनों शॉकिंग फिंक साइडों पर रखे हैं अगले में आप दोनों ब्लू रख के बीच में शॉपिंग फिंक रख सकते हैं ये सेम इसी तरह रख सकते हैं इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको पर किस तरह से करते हैं और पिंक हमने लगाया है तो यहाँ अब हम क्या करेंगे कि मिड में पिंक लगाएंगे और चले जी इस तरह से मैंने यहाँ तो सेट किया सबसे सब से से पहले प्रेंग इनको प्रेंग सेट करें और साथ में पेंस लगा लें टेन इंच का गैप देना है तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी निशान लगाए हुए टेन टेन इंच के तो अब आप ये देखें यहाँ पर इसको हमने रख लेना है और यहाँ पर हमने पर्पल वाले को रख देना है ये सारे सेट करने तीके? के बाद मैं आपको बताती हूँ इसलिए ताकि जगह जो 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 है है वो वो खराब खराब ना ना हो और आपका डिजाइन उसमें कोई ऐसी चीज आए को पूरा कर दे क्योंकि स्टिचिंग के बाद आप जब उसको दोबारा जो है वो खोलेंगे तो वो सही नहीं रहेगा आपने लगाना है जस्ट अभी हम अपनी डिजाइनिंग कर रहे हैं लगाना तो हमने इनको मशीन के साथ है ताकि ये हमारे अप... जी फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं अपने मेन काम पे, मैंने इनको पेंस लगा के फिक्स कर लिया है जगहों पे, ठीक है सारी जगहों पे सही डिज़ाइन मैंने पहले सारा सेट किया है उनको पेंस लगाई हैं अब जो आपने डोरी ली थी किंगरी टाइप इसको कहते हैं तो वो जो आपने ली थी वो आपने इनकी फ़ोर साइड्स पर लगानी है अब और से देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से लगा रही हूँ एंड ऑलवेज़ रिम्बर कि जो धागा मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ वो येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ उससे क्या होगा कि जब आप बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड आपकी बहुत ही खूबसूरत लग रही होगी बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपकी जो बैक है वो उस पर ऊपर जो है वो काम हुआ है फ्रंट से भी अच्छा लगेगा और बैक से भी अच्छा लगेगा इस तरह से मैंने इसको फोर साइड से स्टिच करना है ग्लू गन से भी आप इसको लगा सकते हैं लेकिन ग्लू गन से आपने इसको नहीं लगाना ग्लू गन सिर्फ आपने जो पैच है उसको एक डॉट लगा के आपने उसे फ़िक्स कर लेना है दरमियान से ग्लू गन मैंने यहाँ तब यूज़ किया जब मैंने इनको फ़िक्स किया है पिनस लगाई हैं तो उस टाइम पे मैंने ग्लू गन थोड़ी थोड़ी यूज़ करके उनको मैंने चिपका दिया क्योंकि फिर ये जो है वो बाहर की तरफ़ आएंगे और इस तरह से मैं इसको फोर साइड से कवर कर लूँगी ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और बहुत ही इजी वे में कि आपने किस तरह से इनको आपने रेडी करना है सारा रेडी करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी बहुत ही इजी चीज़ है ये हर कोई बना सकता है इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्टिचिंग के एक्सपर्ट हों नई नई चीज़ें ट्राई ज़रूर किया करें आई थिंक कि जितनी चीज़ें हमने आपको सिखा दी हैं अगर आप ये सीख जाएंगे तो वर्स्टाइल हो जाएंगे आप बिल्कुल चलें फ्रेंड्स ये मैंने सारे लगा लिए अब आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह होंगे उनको बिल्कुल एंड में आराम से तरीके से आपने धागा जो है वो आ, हाथ से तोड़ती हैं या कैंची यूज़ करती हैं सारे धागे वगैरह निकाल दें अब मैं आपको इसकी बैक साइड पिनस वग़ैरह जो हमने लगाई थी वो निकाल दें रिमेंबर इसमें मैंने नहीं दिखाया लेकिन ये देखें आपको डॉट नज़र आ रहा है ना जो बीच में ये ग्लू गन से मैंने इसको बीच से चिपका लिया है चिपकाने के बाद मैंने इसको जो साइडों से यूज़ की है वो मैंने सिलाई किया है इसको ताकि ये फ़िक्स हो जाए इसके ऊपर फ़्लावर भी मैंने आपको पूरा जो है वो ट्यूटोरियल दिखाया है उसको देख के फ़्लावर बनाइएगा और दुबट्टा देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है अब एक फ़ैंसी दुबट्टा आपके साथ रेडी हो गया इसके साथ शॉकिंग पिंक मैरून कलर का ड्रेस लें इसके साथ आप पर्पल कलर का ड्रेस लें इट्स ऑल अप टू यू आप कलर्स कौन से यूज़ करते हैं इसमें आप देखें शॉकिंग पिंक और येलो अगर हम कंट्रास्ट कर लें वो कितना प्यारा लगेगा यहाँ बहुत लाइट कलर आ रहा है लाइट की वजह से लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और जो स्क्वायर की जो शेप है उसको भी बराबर रखिएगा ये ना हो कि एक बड़ा स्क्वायर हो एक छोटा हो लेंथ और वथ्थ मैंने बता दी है आपको स्क्वायर की आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा दुपट्टा जो है वो रेडी हो चुका है और अब आप इसको अपने जो है वो ड्रेस से कम्बाइन कर सकते हैं आ, किसी भी ड्रेस के साथ आप इसे यूज़ कर सकते हैं होपफुली ये दुपट्टा भी अच्छा लगा होगा पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें अल्लाह हाफिज़